वेलकम टू माय योगी किचन। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट आलू पकौड़ा। ये पकौड़ा बारिश के सीजन में सबको पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गर्मा गर्म आलू के पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू पकौड़े की स्लाइस करने के लिए आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैं आलू को छिलके के साथ ही उसकी स्लाइस को कट करूंगी। अगर आपको छिलका पसंद ना हो तो आप आलू को छील के उसकी स्लाइस को कट कर सकते हैं। आलू की स्लाइस बिल्कुल पतली करेंगे और इसे कट करते ही हम पानी में भिगो के रखेंगे। इसी तरह हम दोनों आलू की स्लाइस को कट कर लेंगे और पानी में भिगोएंगे। आलू की स्लाइस को कट करते ही सीधा पानी में भिगो दीजिए, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। तो इसी तरह हमने दोनों आलू की स्लाइस को कट कर लिया है। अब ये पानी हम चेंज कर देंगे और दूसरा साफ पानी ले लेंगे। पानी चेंज करने के बाद हम बॉल को साइड में रखेंगे। अब हम आलू पकौड़े का बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को मैंने छन्नी से छान लिया है। बेसन छान के लेने से उसमें लम्स नहीं आएंगे और बैटर बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। एक टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी टी स्पून हींग डालेंगे। आधी टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 यानी 1.5 टी स्पून कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। तीखा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अब इसमें हम मिलाएंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से पकौड़ों में खस्तापन आएगा, पकौड़ा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब ये सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पकौड़े के बैटर में मैंने सभी बेसिक मसाला का ही यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो उसमें और स्पाइसेस जैसे कि लाल मिर्ची या गर्म मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बैटर को तैयार करेंगे। पकौड़े का बैटर हमें नहीं ज़्यादा गाढ़ा रखना है या नहीं पतला रखना है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ही बैटर को तैयार करेंगे। बेसन में पानी ऐड करके बैटर की कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। बैटर की इतनी कंसिस्टेंसी सेट करने में मैंने 1 ग्लास जितना पानी का यूज़ किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी सेट करने के बाद बैटर को हम अच्छे से फेंटेंगे, जिससे पकौड़े का बैटर बहुत ही स्मूथ और फ्लफी बनेगा। पकौड़े के बैटर को मैं अपने हाथों से ही फेंट रही हूँ। अगर आप चाहे तो स्पून की सहायता से बैटर को फेंट सकते हैं। अब बैटर हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे। पकौड़े के बैटर में पहले थोड़ा सा ही पानी मिला के उसे अच्छे से फेंटें, बाद में ज़रूरत के मुताबिक ही उसमें पानी मिलाते जाए और बैटर को फेंटते जाए। तो पकौड़ा का बैटर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम जितना बेसन लिया था, जिसमें मैंने 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड करते हुए मैंने पकौड़ा का बैटर तैयार कर लिया है। और अब आप ये बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बैटर को मैंने नहीं ज़्यादा गाढ़ा और नहीं ज़्यादा पतला रखा है। पकौड़ा बनाने के लिए, ये आलू का पकौड़ा बनाने के लिए ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ऑयल को हाई हीट पे गरम करने रख दिया है। ऑयल में बैटर को डाल के चेक करेंगे कि ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। ऑयल हमारा बिल्कुल गरम हो गया है, तो अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और ऑयल में डाला हुआ बैटर हम जारे से निकाल देंगे ताकि ऑयल हमारा ख़राब ना हो। अब आलू की स्लाइस को पानी में से निकाल के स्लाइस को आप पोंछ लें या फिर उसे खंगाल लें और बैटर में उसे डीप करें। आलू की स्लाइस को बैटर में डीप करके स्लाइस पे बैटर को अच्छे से कोट करें और एक एक स्लाइस को उठा के पटेली की कॉर्नर पे रनी बैटर को कट करते हुए सीधा गरम ऑयल में डीप फ्राई करने रखें। कढ़ाई में जितना ऑयल हो उसके मुताबिक ही आप आलू के पकौड़े को तलने को डालें। पकौड़ा तलने के लिए मैंने 1 लीटर ऑयल लिया है, जिसमें मैं 5 या 6 जितना पकौड़ा एक बार में डालूँगी। तो मैंने 5-6 पकौड़े को डीप फ्राई करने रख दिया है। अब ये पकौड़े को पहले मैं मीडियम फ्लेम पे तलूंगी और पकौड़े के ऊपर की सरफेस को झाड़े की सहायता से तेल में डुबाते हुए फ्राई करती जाऊंगी। हमारे पकौड़े एक साइड से डीप फ्राई हो गए हैं। अब हम पकौड़े को पलट देते हैं और गैस की फ्लेम को हम अब हाई कर देते हैं।
गैस की हाई फ्लेम पे ही हम दूसरी साइड से भी सेम मेथड से पकौड़े को तलेंगे। जारे से हम पकौड़े को तेल में डुबाते हुए पकौड़े को तलेंगे और साथ में ही पकौड़े को घुमाते रहेंगे ताकि पकौड़ा के आलू अंदर से भी अच्छे से पक जाए और पकौड़े के ऊपर की सतह भी अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी क्रंची बन जाए। फ्रेंड्स, जब भी आप आलू के पकौड़े बनाएं तो मेरी ये मेथड के अनुसार आलू पकौड़े को डीप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल हलवाइयों जैसे ही क्रंची क्रिस्पी पकौड़ा आपका भी बनेगा। सो फ्रेंड्स, आलू पकौड़ा का एक पेज हमारा रेडी हो गया है तो अब इसे हम जारे की सहायता से इसे निकाल देंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को आप जारे से अच्छे से खंगाल के निकालें। ये देखिए फ्रेंड्स, पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। अब ये तले हुए पकौड़े को हम टिश्यू पेपर पे निकाल देते हैं ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो अब्सॉर्ब कर ले उसे। तो दूसरे पकोड़े रखने से पहले अब इसमें जो कनी पड़ी है उसे हम निकाल देंगे और सेम मेथड से हम बाकी के पकोड़े को भी डीप फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आलू के पकोड़े को आप हाफ फ्राई करके भी रख सकते हैं और 1-2 घंटे के बाद फिर से उसे डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी तले और गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे दूसरे बार के आलू पकौड़े भी डीप फ्राई होके तैयार हो गए हैं तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म अब सर्व करते हैं। आप इसे चटनी, हरी मिर्ची या प्याज या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आलू पकौड़ा बनाने की मेथड अच्छी लगी हो तो ये मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप आलू पकौड़ा ज़रूर बनाइए और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और दोस्तों में शेयर करें और मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।